परिवार को खुश रखने के सिद्धांत। हर इंसान की यह इच्छा होती है कि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेमपूर्ण संबंध कायम रहे। इसके लिए लोग कोशिश भी करते हैं, पर एक बात ध्यान में रखें, आपके साथ ही आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और खुशियों से घर खिल उठेगा। अपनी सभी बातों को एक दूसरे से शेयर करें, फिर चाहे वह खुशी वाली बात हो, बदमाशी वाली हो या दुख वाली। परिवार में कुछ पर्सनल नहीं होता, इसलिए पर्सनल बातें भी शेयर कर सकते हैं। साथ में एक साथ बैठकर खाने से एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है, एक दूसरे का हाल जानने समझने का मौका मिलता है। ऑफिस दोस्त जरूरी है, पर परिवार को प्राथमिकता देना उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। परिवार के साथ समय गुजारें, घूमने जाने की योजनाएं बनाएं, धीमी आवाज में बात करें, बड़े छोटे की मर्यादा का पालन करें, लड़े नहीं, खासकर बच्चों के सामने प्यार से रहें, नम्र रहें। समय व स्थिति के अनुसार अगर झुकना पड़े तो झुक जाएं, समझौता कर लें, परिवार के हित में सब जायज है। ध्यान रखें, सभी में कुछ कमजोरियां होती हैं, एक दूसरे की कमियों पर बात करना अनुचित है। एक दूसरे के संपर्क में रहें, शब्दों आलिंगनों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और एक दूसरे के लिए समय निकालकर एक दूसरे को अपने प्यार का भरोसा दिलाएं। एक दूसरे की निंदा या आलोचना किए बिना विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करें। किसी एक व्यक्ति के तनाव में रहने से परिवार की खुशियां कम होने लगती है। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं है, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं है, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं है, बहन से बड़ा कोई सुखचिंतक नहीं है, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो।